बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फैसल इस्लामिक डिजिटल अकाउंट्स के बारे में डिटेल दूंगा, जो कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने घर बैठे फैसल इस्लामी बुराक डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो नाम दिया गया है इसमें फैसल बुराक डिजिटल अकाउंट, इसमें आप लोग अपना जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना अकाउंट ऑनलाइन डिजिटल ओपन कर सकते हैं, जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। मैं विदाउट जो है ना बैंक विज़िट आप जो ये अकाउंट था वो मैंने ओपन किया हुआ है। बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग ख़ुद घर बैठे इसको ऑनलाइन डिजिटल ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही फ़ायदा है अगर आप लोग फैसल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं किसी भी ब्रांच में, तो ब्रांच जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फैसल इस्लामी डिजिटल अकाउंट्स है। यहाँ पे ये अकाउंट दिए गए हैं और इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। आप लोग यहाँ पे आके अकाउंट की डिटेल भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आप लोगों को अकाउंट चाहिए होता है बैंक ओपन करने का, तो वो आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस्लामी फैसल इस्लामी डिजिटल अकाउंट्स फॉर रेसिडेंट पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप लोग डिजिटल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। फैसल इस्लामी रोशन डिजिटल अकाउंट जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, अगर वो अकाउंट वहाँ पर ओपन करना चाहते हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये शारिया कंप्लेंट इन्वेस्ट अकाउंट है, ये भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैसल इस्लामी डिजिटल अकाउंट फॉर रेसिडेंट पाकिस्तानी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लैपटॉप पे ये वेबसाइट जो है ये ओपन की हुई है, यहाँ से भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप लोगों को ईजी नहीं लगता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फैसल डिजिटल डिजी बैंक जो है इसका ये नहीं है, फैसल बुराक जो डिजिटल है वो एक एप्लीकेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये फैसल डिजी बैंक है, ये इंटरनेट बैंकिंग के लिए है। फैसल बुराक डिजिटल जो है वो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके लिखेंगे तो वो बुराक डिजिटल एप्लीकेशन भी आएगा, एप्लीकेशन से भी आप लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन सेम तरीका होगा। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया वो यहाँ पर आ नहीं है, लेकिन आप लोग मोबाइल पर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं इस पर लर्न मोर पे क्लिक कर लेता हूँ और जितने भी अकाउंट हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप लोग कौन कौन से अकाउंट टाइप जो हैं वो यहाँ से डिजिटल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट है। यहाँ पे आप लोग मैं बोलता हूँ कि आप लोग यहाँ पे वेबसाइट पे जो है विज़िट करें और ये अकाउंट की पूरी डिटेल आप पहले चेक करें, ठीक है। आप लोगों का कौन सा कारोबार है और उसकी डिटेल चेक करें, आप लोग क्या काम करते हैं उस हिसाब से आप लोग अकाउंट यहां पे ओपन करें। इसके की फैक्ट जो है वो आप लोग मालूम करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने मीज़ान बैंक के की फैक्ट स्टेटमेंट जो है वो मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, उसमें पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की है, हर तरीक़ेकार मैंने बताया हुआ है। तो अकाउंट्स के हवाले से आप लोग जल्दबाजी ना किया करें, सबसे पहले आप लोगों ने उस बैंक का जो वेबसाइट है वो विज़िट करें और उस अकाउंट की डिटेल चेक करें, बाद में वो अकाउंट ओपन करें। आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट जो है वो रेमिटेंस जो बाहर से आप लोगों के फैमिली मेंबर रिश्तेदार हैं आप लोगों को बाहर से, यानी दुबई, कतर, सऊदी अरबिया से अगर आप लोगों को पैसे भेजते हैं तो उनको रेमिटेंस जो है वो बोला जाता है, और उसके लिए अगर आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट है। इसमें और भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, और भी डिटेल है, बाकी आप लोग लर्न मोर पे क्लिक करके उस अकाउंट की डिटेल चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक अकाउंट की डिटेल बताऊंगा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग ख़ुद आएँ, विज़िट करें और आप लोग अकाउंट की पूरी डिटेल चेक करें। उसके बाद है डिजिटल करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, मैं ख़ुद बता रहा हूँ, ये मैंने डिजिटल करंट अकाउंट जो है ये ओपन किया हुआ है, जो कि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर नहीं है, तो ये ओपन कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर फ्रीलांसर हैं आप तो फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट भी यहाँ पे दिया गया है, फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट जो है वो आप लोग ओपन कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है वो पीकेआर करेंसी में होगा, वो भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर करें, अगर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल करंट अकाउंट USD, ठीक है, ये डॉलर में आप लोगों का अकाउंट ओपन होगा। अगर आप लोग डॉलर अकाउंट जो है वो
ओपन करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग डिजिटल करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल सेविंग अकाउंट USD डॉलर में सेविंग अकाउंट जो है ओपन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे है, आप लोग उसको भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आसान डिजिटल करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये आसान डिजिटल अकाउंट किन लोगों के लिए, जिनका बिल्कुल भी बड़ा कारोबार नहीं है, एक छोटा कारोबार है, इसकी जो लिमिट है क्रेडिट की वो सिर्फ 10 लाख है, 10 लाख तक इसमें क्रेडिट कर सकते हैं और डेबिट भी कर सकते हैं, और क्रेडिट भी 10 लाख तक, उससे ऊपर आप लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग इतनी लिमिट का अकाउंट चाहते हैं तो आप लोग आसान डिजिटल अकाउंट ओपन करें, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ ऑफ इनकम भी नहीं चाहिए होता है। बाकी जितने भी अकाउंट है इसमें आप लोगों को प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, हर अकाउंट के आगे लिखा हुआ है वैलिड CNIC एंड प्रूफ ऑफ इनकम, यहाँ पर सब अकाउंट में दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सब अकाउंट में प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होती है, जितनी भी आप लोगों की इनकम होती है उसका प्रूफ जो है आप लोगों को देना होता है। लेकिन आसान डिजिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं होता, ओनली वैलिड CNIC इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट भी है, ये आसान डिजिटल करंट अकाउंट है, इसमें सेविंग अकाउंट भी है। सेविंग अकाउंट आप लोगों का मालूम है, इसमें सेविंग जो है आप लोग जितनी करेंगे उसमें आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो मिलता है, ओनली वैलिड CNIC रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आप लोगों को, आप लोगों की मर्ज़ी है जो भी अकाउंट ओपन करें। फ्रीलांसर, यहाँ पे फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट USD में है, ये फ्रीलांसर की है USD में, वो जो पिछली मैंने दिखाया वो USD में नहीं था, वो PKR में था। उसके बाद आसान डिजिटल रेमिटेंस अकाउंट PKR में है, बहुत अकाउंट हैं, डिजिटल करंट अकाउंट है, और उसके बाद ये फिर से सेम आ गया है, ठीक है। तो ये अकाउंट थे, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद जो भी अकाउंट आप लोग ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं सेविंग अकाउंट में जो ये आसान अकाउंट है इसकी मैं आप लोगों को बताऊं, तो अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नीचे यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये मैंने ओपन किया था, बहुत ही आसान था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था वीडियो, क्योंकि मैंने उस टाइम थोड़ा नेट स्लो था, वीडियो बन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर आप लोगों ने मोबाइल नंबर इंटर करना है, IAM नॉट रिबोर्ड पर वेरीफाई करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट डिटेल आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, अकाउंट डिटेल में आप लोग कौन किस कैटेगरी का अकाउंट चाहते हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों ने अपलोड करने होंगे, रिव्यू एंड सबमिट आप लोगों को करना होगा, जो भी एप्लीकेशन आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं जो भी चीज़ें वो आप लोग रिव्यू करेंगे। उसके बाद वीडियो कॉल वेरीफिकेशन जो है वो होगी, आप लोगों ने वहाँ पर ऑप्शन आएगा वीडियो कॉल का, वो वीडियो कॉल आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों का जो रिलेशनशिप मैनेजर हो जाए फैसल इस्लामी बैंक का, वो आप लोगों से कांटेक्ट करेगा, आप लोगों को बताएगा, आप लोगों से वेरिफिकेशन लेगा, बाद में आप लोगों का एक दिन में अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने खुद ये अकाउंट ओपन किया हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा फ़ंड ट्रांसफ़र करने का भी तरीक़ेकार बताऊंगा। आप लोग जल्दी करें, किसी को भी अकाउंट ओपन करना है फैसल इस्लामी बैंक डिजिटल बैंक में, तो आप लोगों से अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा, बहुत ही आसान है। फैसल बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है, अगर और बैंकों में भी आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं डिजिटल, तो बाकी बैंकों में भी कर सकते हैं डिजिटल अकाउंट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक और बैंक का जो है वो बताऊंगा कैसे आप लोग डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।